नदी में बहते जवान को साथी जवानों ने मुस्तैदी से रस्सी के सहारे बचा लिया। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान आ गया है। खेत खलियान भी जलमग्न हो गए हैं। अड़की के सीआरपीएफ 194 की बटालियन ऑपरेशन में निकली थी। बता दें कि नक्सली इस हफ्ते शहीद सप्ताह मना रहे हैं। नक्सलियों के शहीद सप्ताह मनाने के कारण खूंटी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान संवेदनशील इलाकों में अभियान पर लगे हैं। इसी क्रम में हथियार के साथ सीआरपीएफ 194 बटालियन अड़की बड़बांकी के जंगलों में पैदल गश्ती अभियान में निकले थे। लगातार बारिश के कारण नारदा नदी का डायवर्शन बह गया और 15 से 20 जवानों का समूह बह चुके डायवर्शन के बीच रस्सी के सहारे नदी क्रॉस कर रहे थे। इसी क्रम में एक जवान नदी की तेज धार में आज बह गया, लेकिन जवानों के मुस्तैदी से पानी की धार में बहते जवान को कड़ी मशक्कत कर बचा लिया गया। एक तरफ जवान अपने अभियान में ड्यूटी पर तैनात थे, दूसरी तरफ बहते जवान को हथियार के साथ बचाना बहुत मुश्किल भरा कार्य था। साथ ही जंगली इलाका होने के कारण नक्सलियों की अचानक धमक से स्थिति बिगड़ सकती थी, लेकिन जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर बहते जवान को भी बचा लिया और सभी जवान हथियार के साथ सुरक्षित गंतव्य की ओर चल पड़े। बता दें कि पिछली बार यास तूफान के वक्त भी अड़की बड़बांकी सड़क मार्ग स्थित नारदा नदी का निर्माणाधीन पुल के बगल बना डायवर्सन बह गया था और एक ग्रामीण मरीज की मौत अड़की अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण हो गई थी। इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ चलाया था। बाजार हाट अस्पताल जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बार फिर लगातार बारिश ने दोबारा डायवर्सन को बहा दिया। ऐसे में आम आवाम के साथ नक्सलियों के विरोध अभियान चलाने में जवानों को भी अपनी जान पर खेलकर ड्यूटी पूरी करनी होती है। स्थानीय निवासी संजय मुंडा ने नारदा नदी पर पुल बनाने वाली कंपनी की लेट लतीफी को दुर्घटना के लिए जिम्मेवार बताया है। आए दिन लगातार पुल निर्माण में हो रही देरी सबके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नारदा नदी के समीप जो अभी अड़की से जो बिरबांकी मैंने जो अभी रोड का काम चल रहा है उसमें एक पुल का मैंने काम भी चल रहा है अड़की के ठीक सामने, उसका नाम है नारदा नदी, उसी में काम चल रहा है। उसमें डायवर्सन बना हुआ है और वो डायवर्सन भर गया है और उसी डायवर्सन में सीआरपीएफ के जवान पार हो रहे थे और उसमें एक जवान मैंने भर गया था और उसे बचा लिया गया है। और ये पूरी तरह से जो काम कर रहा है एमएस कंपनी उसकी लापरवाही है। और अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.